भारत में हर कर्मचारी के कुछ कानूनी अधिकार हैं। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारी की आयु, लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए है। वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर एम्प्लॉई पर लागू नहीं होते। लेकिन 8 ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जो हर कर्मचारियों को प्राप्त हैं। आज हम ऐसे ही 8 बुनियादी कानूनी अधिकारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून 2013 के तहत सभी एम्प्लॉयर के लिए यह अनिवार्य है कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न की किसी तरह की स्थिति से रक्षा करे। सभी कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों को एक आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। अगर कोई महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत करती है तो यह कमेटी उसकी जांच करती है। बीमा का अधिकार। हर एम्प्लॉई को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका बीमा कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या मिसकैरेज की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट। हर महिला कर्मचारी को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इस छुट्टी के लिए वेतन नहीं कटेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का मकसद कार्यस्थल पर गर्भवती महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। छुट्टियों का अधिकार। हर कर्मचारी को प्रिविलेज्ड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव। महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। हड़ताल पर जाने का अधिकार। कर्मचारियों को बगैर नोटिस दिए हड़ताल पर जाने का अधिकार होता है। अगर कर्मचारी पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में उल्लेखित प्रतिबंधों का पालन करना होगा। इस एक्ट के सेक्शन 22(1) के मुताबिक पब्लिक यूटिलिटी एम्प्लॉय को इस तरह की हड़ताल पर जाने से 6 हफ्ते पहले नोटिस देना जरूरी होता है। काम के निश्चित घंटे। दुकान और प्रतिष्ठान कानून के तहत रोजाना अधिकतम 9 घंटे काम कराया जा सकता है और एक हफ्ते में 48 घंटे। इस कानून के तहत मैनेजरियल और गैर मैनेजरियल कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंस्पेक्टर को पहले नोटिस देकर एक हफ्ते में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 54 घंटा किया जा सकता है। लेकिन एक साल में ओवरटाइम 150 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। समान काम के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार है। कोई भी एम्प्लॉयर लिंग, जाति या उम्र के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को एक बराबर वेतन पाने का अधिकार है। प्रोविडेंट फंड। यह रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारी को उपलब्ध है। कानून के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को बेसिक सैलरी का 12% PF के तौर पर देना होगा। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPF मेंटेन करना होता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।